लड़कियों के जो लड़के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, वो आपको एक लिटिल सिस्टर की तरह प्रोटेक्ट करेंगे। सच में यार, क्या प्यारी बात बोली है ना, दिल में कब तक उसका बेस्ट फ्रेंड बने रहोगे? अगर प्यार है, दिल में मोहब्बत है तो सीधा बोल दो ना। अभी बहन बोला और फिर क्या, नहीं प्यार अगर दिल में है तो इजहार कर ही दो। सुन के मजा आ गया। अबे बहन के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? पहले किसी के साथ बहन वाली फीलिंग लो और फिर उसके साथ गर्लफ्रेंड वाली फीलिंग आएगी कहाँ से? यार मैं एक टीनेजर बच्चा हूँ, मेरे को तो पता होगा ना, मेरे बाप ने अगर ये वीडियो देख ली तो मेरी खाली कर देगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, और हाँ मैं बता रहा हूँ इस वीडियो को मोटिव किसी को भी परेशान करना, मतलब किसी को भी रोस्ट करना नहीं है, पर ये जो मोटिवेटर्स होते हैं ना, इन खुद को ही नहीं पता होता कि ये लोग क्या कह रहे हैं। मैंने मोटिवेशन के रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो देखी है और मैं जानता हूँ, पर क्या है ना कि मैंने जब एक ही मोटिवेटर को पहले एक बात और फिर दूसरी वीडियो में उसी बात की ऑपोजिट बात कहते हुए देखा, तो मेरे को समझ में आ गया यार इन सब की बातों का कोई मतलब नहीं है, सब लोग दोगे। तो मैं आज आपको ऐसी कुछ वीडियोस दिखाने वाला हूँ जिनसे आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि ये सब बस फालतू की चीज़ें हैं यार, इसका कोई मतलब नहीं होता। तो चलिए बिना किसी परेशानी के वीडियो करते स्टार्ट, और अगर चैनल पर नए हो तो जरूर उसे सपोर्ट दिखाओ अपना। तो चलो शुरू करते हैं। बेटा पर मम्मा मुझे रात में नींद ही नहीं आती और सुबह थकान लगती है, वक्त बर्बाद करने से तो अच्छा है मैं अब से रात नहीं पढ़ूंगा। सारे राक्षसों वाले गुण है तुम्हारे बेटे में, ईशान के पापा ने टॉन्ट मारा और उसकी मम्मी ने उसको कभी रात में दूध का ग्लास दिया तो कभी भिगोए हुए बादाम तो कभी नारियल पानी, पर इन सब से भी ईशान को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। और एक दिन जब रात के 2 बजे वो पढ़ाई कर रहा था, शायद सच में मुझमें राक्षसी गुण है उसने सोचा, और तभी उसकी नजर अपनी खिड़की के सामने वाली बिल्डिंग में जाती है। वहाँ एक लड़की उसी की तरह रात के 2 बजे पढ़ाई कर रही थी। चलो मैं अकेला नहीं, सोचकर ईशान ने उस लड़की को वेव किया, और उनकी दोस्ती होने के कुछ वक्त बाद जब वो सोसाइटी गार्डन में मिले, दीदी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन रात में क्यों करते हो? ईशान ने पूछा, क्योंकि मुझे रात में नींद ही नहीं आती। सेम थिंग, हम दोनों में ही राक्षस बसता है। बिल्कुल गलत, लड़की ने बोला। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के कुछ रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग हम जैसे लोग जो रात को सो नहीं पाते वो इसलिए है क्योंकि हमारे पूर्वज जिम्मेदारी लेते थे पूरी रात जगकर पूरे कबीले की जंगली जानवरों से रक्षा करने की, और हमारे खून में वो डीएनए अभी तक नहीं बदला। सो जाए ईशान। एक सेकंड, मतलब ऐसी कौन सी मशीन है जो बताती है कि आपके पूर्वज क्या करते थे? चलो बताती भी है तो उन्हें कैसे पता चला कि रात में उनके पूर्वज, यानी वो रात में अपने कबीले की रक्षा करने के लिए जागते होंगे? कुछ और भी चेंज द टॉपिक यार। नहीं पढ़ना चाहिए बच्चों को, जितने 95% से ऊपर के बच्चे सारे बेकार होते हैं, लेकिन जो 85% वाला है, 80 वाला, वो बहुत बढ़िया बच्चा होगा क्योंकि वो चाहे जो वीडियो गेम भी खेल लेगा, वो जिंदगी में मौज भी ले लेगा। वैसे अपन जैसे जो लौंडे हैं ना, ये लोग वैसे ही पढ़ना नहीं चाहते। मम्मी 10-12 बार जूते मारेगी, पप्पा खाल खींचने की बात करेंगे, फिर जाके अपन लोग पढ़ने बैठते हैं, और ये सब मोटिवेशन सुनने के बाद तो लगता है कि यार हाँ यार ये तो कुछ भी, मतलब जो भी बोलता है ये तो सही बोलता है, मोटिवेशन है ना मोटिवेशन। तो ये जो पढ़ने की बात हो रही है ये भी सही है, और वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपन के पासिंग मार्क्स ही आते हैं, और ये सुनने के बाद तो अपन पढ़ाई बंद कर देंगे और फिर फेल होना तो लिख के है, और फिर पापा मारेंगे जूते से। तो चलिए आगे देखते हैं। से इतने जीनियस थे, 15-16 घंटे रोज पढ़ा करते थे, और माँ मेरी इनसे बड़ा नाराज हो जाती थी कि बिल गेट्स भी ऐसा है, बिल बच्चे भाग जाके खेल ले, सारे बच्चे खेलते हैं, सब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो 15-15 घंटे। अब बोलो दोगला कौन है? नहीं मेरे को बताओ दोगला है कौन? ये अभी इसने क्या कहा? अभी कहा कि चाइल्डहुड इतने जीनियस थे। यार इतने जीनियस थे, तुमने कुछ ही देर पहले बोला कि ज्यादा पढ़ना सही नहीं है, और अब बोल रहे हो क्या चाइल्डहुड कितने जीनियस थे इसकी। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, ये वीडियो किसी को भी हेट पहुंचाने के लिए नहीं था, ये बस मज़े के लिए थी, और मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगा, ये सब मोटिवेशन के चक्कर में मत पड़ो। जो भी काबिलियत है आपके अंदर है, और आप उसे कभी ना कभी थोड़ी बहुत मेहनत करके एक्टिव कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।